नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। आप ये दिवस अच्छे से मनाइए। और मेरा नाम अमित है, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो आप जाके अबाउट मी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज़ कैरियर, मतलब आपको जो भी करना है उसको चूज़ कैसे करें। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कई लोग पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर क्या करना चाहिए, सर सर क्या करना चाहिए। सबके लाइफ में आता है, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, आपको एक ख्याल ज़रूर आता है कि हाउ टू चूज़ कैरियर। आपको पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई कैरियर गाइडेंस में एक्सपर्ट नहीं हूँ। सेकंड, मैं कोई MBA या कुछ नहीं किया हूँ, मतलब कि जैसे आप कभी कुछ बिजनेस एडवाइस भी दूंगा तो आप पूछोगे मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, आप मान के चलो क्वालिफिकेशन 0 है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत सारा है, ठीक है। तो अब अपन बात करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप क्वालिफिकेशन के बेस पर एडवाइस देना चाहते हो तो आप इस मतलब अभी इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए, छोड़ दीजिए, चले जाइए। लेकिन अगर आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ एडवाइस चाहिए तो मैं वो आपको दे सकता हूँ, ठीक है। कैरियर और बिजनेस के बारे में, दो चीज़ के बारे में। सबसे पहली बात, जैसे आप 12th class करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में आता है कि अब क्या करें, ठीक है। तो कैरियर चूज़ करने के लिए दो चीज़ कभी ना करिए। पहली बात, आप कोई मूवी में देखे किसी को कुछ करते हुए और आपको वो चीज़ अच्छी लगी तो आप बोले मेरे को तो यही कैरियर बनाना है। जैसे कोई किसी मॉडल को देखा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप बोले यार मेरे को तो मॉडल ही बनना है, ठीक है। और चले गए आप किसी इंस्टीट्यूट को, बहुत सारा पैसा दे दिए मॉडलिंग के लिए और वो आपको कुछ भी सिखा दिया, आप निकले, फिर जब आपको रियलिटी का पता चला तो आपके तोते उड़ गए वाला हिसाब है। तो कोई भी कैरियर चूज़ करने के पहले रियलिटी टेस्ट आप पहले कर लीजिए। जैसे कि मान लो आपको कोई भी बिजनेस करना है या फिर कोई भी कैरियर, आपको कुछ भी बनना है, तो ऑलरेडी उस फील्ड में जो व्यक्ति है उसके पास आप जाइए और उससे एडवाइस मत लीजिए। उसके साथ अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप पूरा एक दिन जी लें उसके साथ, एक दिन कैसे वो सुबेरे उठता है, कितना वो हार्डवर्क करता है, उसको क्या मिलता है, वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितने घंटे कितना दिन अपनी फैमिली से दूर रहता है, ये पूरा जानिए उसके साथ रह के कि आप वो चीज़ कर पाएंगे। अगर आप कर पाएंगे और आपको फिर भी वो चीज़ अच्छी लगती है तो बेशक उस चीज़ में जाइए। और वो चीज़ में जाने के पहले, मतलब वो कैरियर चूज़ करने के पहले भी आप वो मतलब किसी भी शॉप में या फिर कहीं पे भी वो काम को स्टार्टिंग में करना स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी डिग्री के। जैसे कि सपोज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाना है, ठीक है, तो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाके कुछ दिन काम करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करिए, सीखिए आपको क्या फीलिंग आती है, आपको कैसा लगता है। अगर वो चीज़ अच्छी लगती है तो आप आगे प्रोसीड कीजिए, तो आप करिए। कई लोग बोलते हैं अपने पैशन को परस्यू करो, मतलब जो आपको पसंद है उसमें लग जाओ, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। एकदम सही बात है, आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है उसमें लग जाओ, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन उतने दिन तक, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती, आपको अपना पेट्रोल का पैसा देना है, बिजली बिल देना है, घर का रेंट देना है, अगर आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको पे करना है। तो ये एडवाइस सही है, लेकिन जब तक वो कर रहे हो तब तक कुछ ना कुछ तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो चीज़ करने के लिए, वरना आप नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि सर मेरे पास डिग्री तो है लेकिन वो सामने वाली कंपनी बोलती है एक्सपीरियंस लेके आओ। अब जब तक मेरे को कोई जॉब देगा नहीं तो मैं एक्सपीरियंस लाऊंगा कहाँ से, मेरे पास डिग्री है मुझे जॉब देना चाहिए। तो क्या होता है कि आप ही सोचो, आपके पास एकदम, आपने एक बहुत महंगी कार खरीदी है, ठीक है, और आपके पास आपने ड्राइवर की जॉब के लिए आपने पोस्ट निकाली कि मुझे एक ड्राइवर चाहिए। तो आपके पास एक ड्राइवर, आप ड्राइवर का इंटरव्यू ले रहे हो, आपके पास एक ड्राइवर आएगा, बोलेगा सर मेरे पास लाइसेंस है, मैंने आज ही मुझे लाइसेंस मिला है और मैं आपके यहाँ आपकी महंगी वाली कार चलाने आया हूँ। आप उसको दोगे नहीं, आप उससे एक्सपीरियंस पूछोगे ही पूछोगे। कोई भी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है वो किसी भी फ्रेशर को जनरली जॉब नहीं देना चाहिए क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आओगे, आप छोटी मोटी कंपनी में जॉब करिए, थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, सीखिए, उसके बाद उस कंपनी में अप्लाई कीजिए।
आपको कोई भी कंपनी डायरेक्टली, कोई बड़ी कंपनी एकदम फ्रेशर को जॉब नहीं देगी, और देगी तो मतलब स्टार्टिंग लेवल की जॉब देगी। तो आप ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे पास डिग्री है तो मुझे जॉब मिलनी चाहिए। जैसे मैं एडवाइस देने में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताने में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे कि आप कोई भी फील्ड चूज़ करोगे कि मुझे ये करना है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, नहीं नहीं इसमें हमारी बुआ का लड़का गया था तो हमारी दादी, कोई भी कोई रिश्तेदार गया था फेल हो गया, या फिर कोई मिलेगा बोलेगा कि अरे यार ऐसा ऐसा था, उसने बहुत पैसा कमाया, अच्छी फील्ड है। आप ये मत देखो कौन फेल हो गया, आप ये मत देखो कौन बहुत पैसा कमाया, आपको ये देखना है कि आपको वो फील्ड अच्छी लगती है। अच्छी लगनी मतलब ये नहीं अरे मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, आपको उस फील्ड में जाना है, कुछ दिन काम करना है, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस के बेस पर चीज़ को चूज़ करना है। कोई चीज़ अच्छी और ख़राब टीवी में देख के नहीं लगती, ठीक है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अरे सर आपका तो बढ़िया है, दो बस जाना रहता है, पढ़ाना रहता है, आ जाना पड़ता है, और अच्छा खासा है इनकम, ठीक है। तो जैसे मैं जब स्टार्ट करने वाला था अपना खुद का लैंग्वेज वाला फील्ड, तो सब लोग बोले अरे भाई इंग्लिश क्या पढ़ाएगा, ऑलरेडी इतने लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी टाइप का हूँ, देखो सफलता का, सफल बनने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें ज़रूरी है, पहला बेशर्मी, दूसरा ढीठ पाना। आप एकदम बेशर्म हो जाओ, एकदम ढीठ बन जाओ, जो चीज़ को टारगेट करोगे आप पा ही लोगे, ठीक है। लेकिन जब मैं सोचा कि मेरे को अपना इंग्लिश का स्टार्ट करना है, तो ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से भैया गए अपन कंपनी रजिस्टर्ड करा लिए, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो आपको स्टूडेंट अरेंज करना पड़ेगा, भाई स्टूडेंट पढ़ेगा कौन तुमसे, तुम अभी बोलना स्टार्ट किए हो इंग्लिश, आपसे कौन सीखेगा। तो सबसे पहले तो अपने आसपास के लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करो। जब मैंने किया अपना, दो तीन लोगों से स्टार्ट किया है ना, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, ऐसा नहीं धीरे धीरे बढ़ते गए मतलब बढ़ते गए, उसके लिए कंटिन्यूसली लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ आप सिखा सकते हो, तभी लोगों आपके पास आएंगे। उसके बाद जब ऐसा करते करते मैं 3 से 4 साल पढ़ाया, उसके बाद जब मैं इतनी इनकम अरेंज कर लिया कि भैया मैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा पाऊँ, 25,000 रुपये दे पाऊँ, वेबसाइट के लिए दे पाऊँ, उसके बाद मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई, ठीक है। उससे पहले मैं पर डे 4 बैच पढ़ाता था। अब बोले 4 बैच पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी 4 बैच पढ़ा सकता है, मैं चार बैच पढ़ा सकता हूँ, सब बोलने लगेंगे। लेकिन 2 बैच रायपुर में, मतलब मेरे एरिया से रायपुर आप देखोगे डिस्टेंस तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, और वो भी रायपुर के कॉर्नर में जाके 2 बैच पढ़ाता था, ठीक है। और अपनी ऐसा नहीं, उस समय कार नहीं थी मेरे पास, पैशन मेरी है अभी भी, पैशन से ज़्यादा था। सुबेरे उठ के, मतलब सुबेरे अपना 4 बजे उठ गए, पूरा फ्रेश व्रेश हो गए, अपने घर से यहाँ 6 बजे निकल गए है ना, वहाँ पे आपको 7:30 बजे पहुँचना है, फिर वहाँ पे कंटिन्यूसली 2 बैच पढ़ाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ भिलाई आए, फिर अगेन उतने ही 50 किलोमीटर वापस आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने घर में पढ़ाया मैं, ठीक है। उसके बाद फिर शाम को एक और जगह, दूसरी जगह जाके पढ़ाना है। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे टाइम स्पेंड किया पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। उसके बाद ये लग्जरी और कंफर्ट आप जो देखते हो वो आया, वो एकदम से नहीं आया कि बिजनेस में कूदा और एकदम पूरे बच्चे भर गए और मैं पढ़ाने लग गया और ऐसा आने लगा। तो अभी जैसे कई लोग मेरे को देखते हैं और बोलते हैं सर मैं इस लाइन में आ सकता हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ, कितना अर्निंग हो जाता है, क्या हो जाता है। तो देखो अर्निंग की बात है ऐसी है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी चीज़ को कैसे सेल कर पाते हो, आप कैसे क्या कर पाते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लोगों की आप हमेशा ना, सफलता क्या होती है, एक आइसबर्ग की तरह होती है, जो अपना पानी में दिखता है ना उसका टिप बस दिखता है, उसके नीचे कितना वो है वो आपको नहीं दिखेगा। आप हमेशा देखते हो अरे यार, किसी भी आप सफल आदमी को देखते हो और आप सीधा टारगेट बना लेते हो यार वो ये बिजनेस किया, वो सक्सेस पा लिया, मैं भी वही बिजनेस करूँगा और मेरे को भी वो सक्सेस मिल जाएगी। आप सबसे पहले वो आदमी से जाके मिलिए और बताइए, पूछिए कि भैया कितने साल पहले वो उसने करना स्टार्ट किया था, उसने क्या क्या किया और उसके बाद उसको चीज़ अच्छी हुई। आप एकदम से किसी की सक्सेस को टारगेट करके ये मत मानिए कि अरे यार
वो तो सुबह उठता है, बढ़िया अपना ऑफिस जाता है और अपना सेल करता है और आता है और बढ़िया लाइफ कट रही है, तो उसके पहले का आपका स्ट्रगल है जो व्यक्ति का, वो आप देखिए, ठीक है। और ये वीडियो हो सकता है उतना इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन अगर आपको इस टाइप के वीडियो पसंद आते हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि हाउ टू सेल, मतलब कि किसी भी चीज़ को बेचे कैसे, इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊँ सोच रहा हूँ, और जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी बनाऊँगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्यों पसंद नहीं आया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।